नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 जिलों के अस्पतालों को मिलेगी सिटी स्कैन की सुविधा। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। अब डॉल्फिन पर रखी जाएगी टेक्निकल नजर। बिहार पुलिस को मिले 40 डीएस। स्थित बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की हुई ऑनलाइन शुरुआत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई में पीओ के पदों के लिए निकाली गई बंपर बहाली। एसबीआई में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के 2056 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा नवंबर दिसंबर 2021 में संभावित है। वहीं मेंस परीक्षा की बात करें तो ये दिसंबर 2021 तक संभावित है। वहीं तीसरी फेज का इंटरव्यू फरवरी 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद ही परीक्षा का रिजल्ट फरवरी या मार्च 2022 में घोषित किया जाएगा। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू होने जा रही है। तृतीय और चतुर्थी तारीख एक साथ पड़ने के कारण इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की होगी। नवरात्रि व्रत का समापन 14 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। ज्ञात हो, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग नवरात्रि भर उपवास रखते हैं और 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तारीख से प्रारंभ होती है और महानवमी के दिन समाप्त होती है। उसके अगले दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि आज कलश स्थापना और घट स्थापना करके मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। पुरानी गाड़ियों को रखने पर 8 गुना देना होगा रिन्यूअल चार्ज। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो इसको अपने पास रखने से पहले एक बार जरूर सोच ले, क्योंकि यही आपके लिए आफत साबित हो सकती है। क्योंकि पुरानी गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा किया है, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी 15 साल या इससे पुरानी है तो इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसा देना होगा। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अगर आपकी बाइक अगर पुरानी है तो इसके लिए 300 की जगह आपको 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा। 15 साल से पुरानी बस या ट्रक के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराने के लिए अब आपको 15,500 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। इसी तरह मध्यम श्रेणी के मोटर वाहन के लिए यह रकम 10,000 की होगी। वहीं किसी इम्पोर्टेड कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 40,000 और इम्पोर्टेड बाइक के लिए 10,000 का चार्ज लगेगा। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए सरकार से की गई जमीन की मांग। पटना एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जमीन की मांग की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो पश्चिमी छोर पर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र की 4 एकड़ जमीन बिहार सरकार दे देती है तो पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लगातार विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार से विंटर स्केड्यूल जारी कर 6 नए विमानों को भी अन्य शहरों के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर इन दिनों नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है, लेकिन जमीन के अभाव में रनवे का एरिया नहीं बढ़ सका है। हालांकि बिहार सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। इसको लेकर विभागीय बैठक चल रही है। फिलहाल अगर यह जमीन बिहार सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपती है तो पटना एयरपोर्ट का रनवे 2500 मीटर के लगभग हो जाएगा। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में राज्य के ट्रिब्यूनल में खाली पड़े पदों को लेकर के सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से डीआरटी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जवाब तलब किया है। इस बाबत चीफ जस्टिस संजय करोल खंडपीठ को राज्य में ट्रिब्यूनल में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के संबंध में महाधिवक्ता ने अपना बयान जारी किया है और बताया है कि 2 सप्ताह में सभी रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट के सहयोग देने के लिए कोर्ट ने आशीष गिरी को एमिक्स क्वेरी नियुक्त भी किया है। आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार की तरफ से यह बताया कि राज्य सरकार ट्रिब्यूनल में सभी खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा। इससे पहले 20 सितंबर के कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया था कि इस ट्रिब्यूनल में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। 8 अक्टूबर के
बाद बारिश के नहीं है आसार। बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून लौटने के संकेत देने लगा है। आने वाले 24 घंटे में देश के पश्चिमी भाग में मॉनसून लौटने लगेगा, जिसके साथ ही अक्टूबर महीने के बीच तक बिहार में भी मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। इस बीच राज्य में लगभग एक सप्ताह से जारी बारिश का सिलसिला भी अब थमने लगा है। साथ ही बारिश कम होने के कारण राज्य में उमस और गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि ऐसी स्थिति मुश्किल से एक या दो हफ्ते तक ही रहने की उम्मीद है, इसके बाद ठंड का असर दिखने लगेगा। वहीं इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि बिहार में मॉनसून की बारिश अच्छी हुई है, इसका बढ़िया असर खरीफ की फसल पर देखने को मिलेगा। गंगा उद्धव योजना को लेकर सीएम नीतीश ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन गंगा उद्धव योजना की समीक्षा की। इस दौरान पटना के मोगामा से गंगा जल को राजगीर, नवादा और गया ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विचार विमर्श किया गया, जो कि पटना के मोगामा हाथीदह से गंगा जल पाइपलाइन के सहारे 3 शहरों को पहुंचाया जाएगा। ज्ञात हो कोरोना के कारण ट्रायल का काम अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। इस योजना पर लगभग 3,000 करोड़ की राशि खर्च होनी है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत पेयजल हेतु गंगा जल उद्वह योजना के कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने बीते दिन आयोजित बैठक में गंगा उद्वह योजना की अब तक की क्या प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट ली। हालांकि मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर कई बार बैठक कर चुके हैं और स्थल पर जाकर भी निरीक्षण कर चुके हैं। बिहार पुलिस को मिले 40 डीएसपी। बिहार पुलिस को बीते दिन 40 डीएसपी की सौगात मिली है। इसको लेकर गृह विभाग ने नियुक्ति पूरी कर ली है और इसकी पूरी सूची भी जारी कर दी है। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए अनुसंशित अभ्यर्थियों को ट्रेनी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन डीएसपी की नियुक्ति की गई है उनमें अजीत कुमार, राघवेंद्र मणि, दीपक कुमार, अनिकेत अमर, विशाल आनंद, सुशील कुमार, आदिल बिलाल, ऋषभ रंजन, राजन कुमार, नीतीश कुमार समेत के नाम शामिल। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बलिराम भगत की। बलिराम भगत एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उनका जन्म पटना बिहार में एक यादव परिवार में हुआ था। भगत 1939 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पहले 5 कार्यकालों सहित 6 कार्यकाल के लिए आला से संसद सदस्य के रूप में कार्य करते देखे गए थे। 1977 के आम चुनाव में भगत अपनी सीट चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हार गए, जहां कांग्रेस ने पहली बार भारत में सत्ता खो दी। 1963 और 1967 के बीच भगत ने योजना और वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 1985 से 1986 तक इंदिरा के बेटे राजीव गांधी के अधीन भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। वो 1993 के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और सरकार 1993 से 1998 तक राजस्थान के भी राज्यपाल थे। नवरात्रि से पहले और किसी भी समय आएगा शिक्षकों का वेतन। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी। जो भी प्राथमिक शिक्षक अब तक अपने वेतन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल के प्रारंभिक शिक्षकों की सैलरी नवरात्र से पहले दे देगी। अगस्त में इन्हें सैलरी नहीं मिली है। सैलरी का इंतजार कर रहे करीब 2.5 लाख शिक्षकों को इससे राहत मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के अगस्त के वेतन की राशि जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि नवरात्रि से पहले सभी शिक्षकों को सैलरी मिल जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। आज से नवरात्रि शुरू है, जिसके तहत उम्मीद यही जताई जा रही है कि सभी शिक्षकों के खाते में राशि पहुंचा दी जाएगी। दिल्ली स्थित बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की हुई ऑनलाइन शुरुआत। दिल्ली में बने बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की ऑनलाइन शुरुआत हो गई है। पटना से ही ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि इतने कम समय में बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की शुरुआत करना बेहद खुशी की बात है। इस मौके पर उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि इतने कम समय में बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की शुरुआत करना बेहद खुशी की बात है, जिसके तहत अब बिहारी आराम से राजधानी दिल्ली में ही जाति, आवासीय आय समेत अन्य प्रमाण पत्र बनवाने का काम कर सकेंगे। हालांकि गर्व की बात यह है कि दिल्ली में इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला बिहार भवन पहला राज्य भवन है। इससे बिहार के लोगों को लोक सेवाओं की सुविधा का लाभ मिलेगा। 21 जिलों के अस्पतालों को मिलेगी सिटी स्कैन की सुविधा। बिहार के 21 जिलों के अस्पतालों में अब सिटी स्कैन करवाना आसान होने वाला है, क्योंकि अब इन जिलों के अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। इस बाबत बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा सभी जिलों के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा मरीजों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है। फिलहाल 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है और मरीजों की जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं राज्य के बाकी 17 जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी सिटी स्कैन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन दिखा जन सैलाब। कोरोना के वर्तमान माहौल को ध्यान में रखते हुए गया में पितृपक्ष के आयोजन की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद बीते दिन आखिरी पितृपक्ष का आयोजन करवाया गया था। हालांकि इस दौरान लोगों की भीड़ देखने लायक थी। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिनों तक चले इस पितृपक्ष के अंतिम दिन तक करीब 5,00,000 लोगों ने गया पहुंचकर पिंडदान और तर्पण किया। वहीं बीते दिन भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने लायक थी। लोगों का हुजूम सुबह से ही देखने को मिला। ज्ञात हो गया में हमेशा पिंडदान होता है, लेकिन इस 16 दिनों के पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस पितृपक्ष अवधि में पितृ गया आकर अपने वंशजों का पिंडदान के लिए इंतजार करते हैं। यही वजह है कि लाखों की संख्या में हिंदू सनातन धर्मावलंबी यहां आकर पिंडदान और कर्मकांडों को पूरा करते हैं। अब डॉल्फिन पर रखी जाएगी टेक्निकल नजर। बिहार से विलुप्त हो रहे डॉल्फिन को बचाने के लिए बिहार में एक खास तैयारी चल रही है, जिसके तहत ही सबसे पहले इन डॉल्फिन पर नजर रखने की कवायद शुरू की जा रही है। इसको लेकर ही सरकार अब डॉल्फिन पर नजर बनाए रखने के लिए GPS का इस्तेमाल करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट लेकर भी आ रही है। इस काम के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, जिसकी जानकारी वन पर्यावरण और जलवायु मामला एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यटकों के लिए डॉल्फिन देखने की खास व्यवस्था की जाएगी, साथ ही डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि डॉल्फिन को देवता मानकर ही उसकी सुरक्षा करने की फिलहाल जरूरत है। गया जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये शहर गया के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। गया तीन तरफ से छोटी छोटी पहाड़ी मंगला गौरी श्रृंगा स्थान रामशिला और ब्रह्मयोनी से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम की तरफ और फाल्गु नदी बहती है। यहाँ के महाबोधि मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। गया में विष्णुपद मंदिर भी प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पाव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर पितृपक्ष का मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में फिर दिखी लालू की पाठशाला। राजद ने एक बार फिर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसका आखिरी दिन 6 अक्टूबर यानी कि कल था। कार्यक्रम के आखिरी दिन एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लालू की पाठशाला लगाई थी। इस दौरान उन्होंने नेताओं को सियासत का पाठ पढ़ाया, साथ ही सभी नेताओं से अपील भी की कि चाहे कुछ भी हो जाए धारा 107 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बाबत आगे कहा है कि जेल जाने से डरना नहीं चाहिए, 107 धारा कुछ नहीं है। राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजद का झंडा और टोपी गमछा के साथ गांव गांव घूमना चाहिए और लोगों से संपर्क करना चाहिए और असहाय व्यक्ति के घर पर पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे पार्टी की छवि अच्छी होगी और पार्टी को फायदा होगा। अब बिहार पुलिस भी होगी फिट। अब बिहार पुलिस और ज्यादा तंदुरुस्त नजर आने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए जिम बनवाने की कवायद शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस के DGP SK सिंघल ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस की सभी इकाइयों में जिम खोलने की पहल की जाएगी। इसके लिए संबंधित इकाई के ADG या प्रमुख को खासतौर से पहल करनी चाहिए। इससे पुलिसकर्मी स्वयं को शारीरिक रूप से फिट और चुस्त दुरुस्त रख पाएंगे। जिम के उद्घाटन के दौरान ही उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में पुलिस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी जिम बेहद आवश्यक हो गया है। इस व्यस्तता भरी जिंदगी में अपने को रिलैक्स करने के लिए यह सबसे उचित माध्यम है। वहीं ATS के ADG रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि ATS में तैनात अधिकारियों और जवानों को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए इस जिम की भूमिका बेहद ही अहम मानी जा रही है। तीसरे चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर, शुक्रवार को होगा मतदान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों के चुनाव का आयोजन तो करवाया ही है, साथ ही मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इसी बीच अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर बीते दिन चुनाव प्रचार रोक दिया गया, जो कि शाम 5 बजे रोका गया। वहीं कल यानी कि शुक्रवार को मतदान का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके साथ ही चौथे चरण की सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 अक्टूबर को ही खत्म हो गई है। वहीं बीते दिन यहां उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस चरण में कुल 66,058 नामांकन हुए हैं। बिहार के इन जिलों में सड़क निर्माण के लिए मिली 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। बिहार में सड़क निर्माण के काम पर बिहार सरकार खास ध्यान देती आई है। यही कारण है कि समय समय पर बिहार के विभिन्न जिलों के सड़कों को बनवाने के लिए कवायद भी करती रही है। इसी कड़ी में अब बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि उग्रवाद प्रभावित जिला औरंगाबाद, गया और बांका में 200 करोड़ की योजनाओं को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें औरंगाबाद में करीब 86 किलोमीटर की 91 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। गया में 40 किलोमीटर के लिए 40 करोड़ की योजना
स्वीकृत हुई है। इसके साथ ही बांका में 61 किलोमीटर की 72 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। इन तीनों जिलों में सड़क निर्माण का काम करवाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो उग्रवाद से प्रभावित हैं, जहां सड़क निर्माण का काम भी बाकी है। इसको लेकर केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार सहायता जरूर करेगी। जमुई जिले में भी सड़क निर्माण समेत कई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि में नहीं आएंगे चिराग पासवान। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत दो खेमे में बटी पार्टी अलग अलग पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। हालांकि इन सबके बीच जो अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान अनुपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को पटना में उनके भाई पशुपति पारस बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके परिवार को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इस दौरान वो नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस दौरान चिराग पासवान नई दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लालू यादव ने दी थी पार्टी बदलने की नसीहत। लालू प्रसाद यादव कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा में आए हैं कि उन्होंने किसी को फोन करके पार्टी बदलने की या उनका समर्थन करने की नसीहत दी हो। अब इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है जिन्होंने लालू यादव पर यही आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पार्टी बदलने की नसीहत दी थी, और वो नाम है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। इस बाबत मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू यादव ने उन्हें जेल से फोन किया था। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी हमको जेल से फोन करते थे और कहते थे कि बदल लो पार्टी। उन्होंने आगे कहा कि ये सपना नहीं देखना चाहिए। हम लोग मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार में हैं। लोग रात में सपना देखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दिन में ही सपना देख रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी। पता नहीं तेजस्वी यादव किस स्कूल से पढ़कर आए हैं। अभिनेता राजपाल यादव ने किया वीसीआर प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से वीसीआर प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अंधेरी वेस्ट मुंबई स्थित क्लासिक रहेजा क्लब में आयोजित एक भव्य समारोह में वीसीआर कंपनी के एमडी कमांडो संजय सिंह चौहान समेत बॉलीवुड के कई गणमान्य शख्सियत की उपस्थिति में अभिनेता राजपाल यादव ने किया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीसीआर प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर रखेगी और उन्हें प्रकाश में लाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल में 1737 को 20,000 छोटे जहाज के समुद्र में 40 फुट नीचे डूबने से 300,000 लोगों की जान चली गई थी। गांधी जी की नवजीवन पत्रिका 1919 में प्रकाशित हुई थी। मदर टेरेसा ने 1950 को कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। चंडीगढ़ में 1952 में पंजाब की राजधानी बनी। भारत में तत्वरित कार्रवाई बल का गठन 1992 में आज के दिन हुआ था। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूतिपूर्वक और विशेषज्ञतापूर्वक निपटने के लिए हुआ था। WWF इंडिया ने पहले राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2000 में हासिल किया। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म 1978 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का जन्म 1914 में आज के दिन हुआ था। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति केदारेश्वर सेन गुप्ता का निधन 1961 में आज के दिन हुआ था। के बाद धोनी ने बॉलीवुड में एंट्री को लेकर दिया बयान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद अब महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में रिटायरमेंट की खबरें आ रही हैं। इसी के साथ अब धोनी के बॉलीवुड में आने की अटकलें भी सामने आ रही थी। वहीं इसी बीच एक इवेंट में धोनी ने बॉलीवुड में एंट्री को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें चेन्नई में अपना आखिरी मैच खेलने की उम्मीद है। एमएस धोनी ने साफ तौर पर कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका बॉलीवुड में जाने की कोई योजना नहीं है। धोनी का कहना है कि अभिनय करना कोई आसान बात नहीं है और वो क्रिकेट से ही जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप तो ही है कि बॉलीवुड वाकई में मेरा विषय नहीं है। जहां तक विज्ञापन का सवाल है, उन्हें करके मैं खुश हूं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,130 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.92 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 97.88 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय प्रदीप, मीनापुर बलाहा, मनीष मोहरा, बबीता यादव, कृष्णा मुरारी, वेद प्रकाश कुमार, संतोष कुमार, विजय घायल, संतोष यादव, मनीष कुमार, राम नरेश कुमार, शंकर मुखिया, ललित कुमार, भरत प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ आपके आसपास के इलाकों में पहुंचा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।